बेसिकली समस्या है कि हमें तो एक चाहिए डॉक्टर जो 9 से 5। चलो युवा तो कहीं ना कहीं भाग जाएंगे, जिनके पास अच्छे पैसे हैं वो भी भाग जाएंगे, पर जो बुजुर्ग हैं गांव के वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहाँ जाएं? छोटे छोटे लोकल दुकानदारों के पास तो जा नहीं सकते। एक MBBS का जो ट्रीटमेंट होता है एक MBBS ही जानता है। और ये समस्या आज से नहीं है, जब से हमने होश संभाला है। सिर्फ एक रमेश दर डॉक्टर आए थे जिनकी वजह से थोड़ा बहुत चला था, उसके बाद कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डॉक्टर यहाँ नहीं मिल पाया। और आप OPD चेक कर लीजिए कितनी है, 25,000 की पॉपुलेशन को ये हॉस्पिटल लगभग 12 पंचायतों को ये कवर करता है आसपास में। अगर यही फैसिलिटी मिल जाए लोग क्यों 20 किलोमीटर दूर जाएं या मांड के क्षेत्र को पूरा टारगेट करते हैं। ये हॉस्पिटल अगर अच्छे से चल पड़ता है तो एक पहचान होती है और हमारी पहचान इसी हॉस्पिटल की वजह से है। अगर ये हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आता तो सरकार से गुजारिश है बिल्डिंग को डिसमेंटल करके यहाँ पे एक अच्छा सा कम्युनिटी पैलेस बना दें ताकि गरीब लोग यहाँ पे शादी तो देख सकें, शादी तो कर सकें। सर ऐसा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, डॉक्टर तो होना चाहिए, पर अभी अभी मैंने BMO साहब का फोन आया और उन्होंने बोला है कि डॉक्टर का आ रहे हैं 1-2 दिन में ना। BMO साहब का आपको खुद फोन आया या आपने फोन करके पूछा? नहीं, इन्होंने किया था फोन। अच्छा, तो मेरी बात हुई तो बोलते आ रहे हैं डॉक्टर 1-2 दिन में। तो आपने कभी मैम इसके लिए जैसे लोकल विधायक है रीता दीमान जी उनके साथ बात भी नहीं की कभी? की है, तो वो ही लेके आ रहे हैं उनको। अच्छा, वही लेके आ रहे हैं। तो जैसे ये 3 महीने से मतलब यहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो उसकी परेशानी? पहले डॉक्टर थे यहाँ पे, उनकी ट्रांसफर हो गई है जी, तो अभी आ रहे हैं दूसरे डॉक्टर। तो जैसे मैम यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी है ऊपर पूरे यहाँ पे जो ऊपर का इनका जो फर्स्ट फ्लोर है जी, तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब सफाई भी नहीं होती? नहीं, सफाई तो होनी चाहिए, जहाँ तो कोई रखना चाहिए इनको सफाई के लिए ना जी। तो हमने पहले भी इनको बोला था कि सफाई के लिए तो जरूरी है कि सफाई तो होनी चाहिए। सर ऐसे ये अपना अस्पताल परिसर में जो इतनी गंदगी फैल रखी है, आप लोकल हैं यहाँ पे, आपने कभी आके इनके स्टाफ मेंबर्स को नहीं बोला? हमने जब भी कोशिश की है, जब भी हम आए हैं तो हमें इसे एक सेटिस्फेक्टरी जवाब मिला, हो जाएगा जी, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ये कौन बोलता है आपको सर? जो पिछली बार भी यहाँ पे मीटिंग्स थी तो हम आए थे जब सफाई था, तो यहाँ के स्टाफ थे जो हम यहाँ मिले थे हम किसी से, शायद अब हमें पर्टिकुलर वो भी वो याद नहीं है, तो कि करवा देंगे ऊपर वाली बिल्डिंग, ऊपर जा ही नहीं पाए थे हम। एक तो दो पर तमोड़ा टाइप जो होती है वो काफी थी, ऊपर हम जा ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए थे। तो इसके लिए सर यो मतलब आपने अपनी लोकल विधायक से भी कभी बात की है या सरकार तक कोई मतलब बड़ी बात बना के? इस बार तो 3 महीने में तो हम 3-4 बार कर चुके हैं प्रयास, तो उन्होंने क्या बोला? माध्यम से आ जाएगा डॉक्टर, आ जाएगा। और 15-20 दिन पहले, महीना पहले भी न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर छपी थी इतनी बड़ी कि ये हॉस्पिटल खंडर हो रहा है, तो उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। या तो ऐसा है कि हम युवा पीढ़ी है जो वो बात नहीं कर पाती है, जब बोल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को खास कर नकारा जाता है। सर क्या नाम है आपका? मोनी कुमार। किस पोस्ट पे आप यहाँ पे? फार्मासिस्ट। सर यहाँ पे एक कंप्लेंट आ रही है कि यहाँ पे अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, कितने मतलब सालों से या कितने महीनों से यहाँ पे डॉक्टर? सर 3 महीने से। क्या पहले कौन से डॉक्टर थे? दिग्विजय सिंह से। और अभी 3 महीने से यहाँ पे डॉक्टर नहीं भेजे जी, तो इसके लिए कभी मतलब आपने भी बात की है कि अपने हायर अथॉरिटी से कि सर यहाँ पे डॉक्टर भेजो, दुनिया परेशान हो रही है? जी सर वो तो हुई बात है, तो ट्रांसफर भी हो चुकी है एक पर्सन के यहाँ पे। कौन साहब आ रहे हैं? डॉक्टर राकेश पुरोहित जी। राकेश पुरोहित जी, ये कब तक आने की उम्मीद है? 5 तारीख की हो चुकी है वो ज्वाइन। BMO साहब को बताओ यहाँ तक ना। BMO साहब कौन से? इंदौरा जी। हाँ, उनकी मतलब ज्वाइनिंग 5 तारीख की हो चुकी है? नहीं, ज्वाइनिंग ट्रांसफर हुई है उनकी अभी। अच्छा नहीं, तो ज्वाइन कब करते हैं नहीं पता, ये BMO साहब को बताता है। तो सर जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है यहाँ पर, तो उसके लिए मतलब जैसे आप डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट हो, तो मतलब उनको कैसे हैंडल किया जाता है? जो हम नॉर्मल दवाई वो दे देते हैं पेशेंट को, मतलब एज ए फार्मासिस्ट आप दवाई दे देते हैं? जी हाँ, मतलब लिटिल सी दवाई, हायर नहीं, माइनस ही दे सकते हम। वो दवाई देने की मतलब अथॉरिटी है? हाँ जी, फर्स्ट एड की होती है हमें। फर्स्ट एड की जी। और जैसे कोई मेजर केस आ जाए तो उसको फिर रेफर करना पड़ता है? रेफर करना पड़ता है। वो फिर कहाँ पे करते हैं सर? इंदौरा कर सकते हैं सर।